नमस्कार जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रूस की सेना तेजी से यूक्रेन की राजधानी के ऊपर कर रही है हमला। राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले, अगले 24 घंटे देश के लिए सबसे कठिन। रूसी हमलों में 14 बच्चों समेत यूक्रेन के 352 नागरिकों की मौत। कीव और खारकीव में फिर हो रहे धमाके, कब्जे के प्रयास तेज। तुर्की के लड़ाकू ड्रोन बेरे कतार TB2 से तबाही मचा रहा यूक्रेन। रूस की तेल से भरी पूरी ट्रेन उड़ाई, ईंधन की सप्लाई रुकी। यूक्रेन की सेना ने रूस के मिसाइल सिस्टम को किया ध्वस्त। दुनिया के सबसे बड़े विमान को रूस के सैनिकों ने किया नष्ट। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच परमाणु हमले का बड़ा खतरा। राष्ट्रपति पुतिन ने एटमी हथियारों से लैस यूनिट को किया अलर्ट। जंग के बीच यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया यूरोपियन यूनियन। हथियार खरीदने के लिए की 450 मिलियन यूरो देने की घोषणा। यूक्रेन संकट पर अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ की कार्रवाई। रूस के सेंट्रल बैंक पर प्रतिबंध, स्विफ्ट सिस्टम से किया बाहर। यूक्रेन संकट पर भारत और चीन ने वोटिंग से फिर बनाई दूरी। 15 सदस्यों में से 11 ने आपात बैठक बुलाने का किया समर्थन। यूक्रेन में फंसे 249 भारतीयों को दिल्ली लेकर पहुंची 5वीं फ्लाइट। अब तक लगभग 1100 से ज्यादा छात्रों की हो चुकी है वापसी। यूक्रेन में भारतीय छात्रों पर सिक्योरिटी फोर्स ने किया हमला। जंग छोड़कर बैंक और स्टोर लूटने में जुटे रूसी सैनिक। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की दशा देख भावुक हुए राहुल गांधी। छात्रों के साथ मारपीट का वीडियो किया शेयर। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने हाई लेवल बैठक में की चर्चा। का छात्रों की सुरक्षा और वतन वापसी सर्वोच्च प्राथमिकता। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की शुभकामनाएं। कहा, बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने का प्रयास करें अभिभावक। आज महाराजगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। गोरखपुर में रोड शो करेंगे अमित शाह और सीएम योगी। पीएम मोदी आज गति शक्ति पर वेबिनार को करेंगे संबोधित। प्रतिभागियों के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ पर होगी चर्चा। मणिपुर में पहले चरण के लिए 5 जिलों की 38 सीटों पर मतदान जारी। 15 महिला सहित 173 उम्मीदवार आजमा रहे अपनी किस्मत। यूपी विधानसभा के 5वें चरण के चुनाव में 55% हुआ मतदान। ज्यादातर सीटों पर भाजपा सपा में टक्कर, कई पर त्रिकोणीय लड़ाई। DRDO चीफ ने अहमदाबाद डिजाइन वीक को किया संबोधित। कहा, रक्षा में शोध के लिए केंद्र ने दिए 1200 करोड़ रुपए। सजा काट रहे राम रहीम को आज फिर लाया जाएगा सुनियारिया जेल। डेरा प्रमुख की फरलो खत्म, गुरुग्राम पुलिस लेकर आएगी रोहतक। दिल्ली में कोरोना प्रोटोकॉल की कई पाबंदियों से दी गई मुक्ति। रात्रिकालीन कर्फ्यू खत्म, मास्क न पहनने पर 500 का जुर्माना। भारत में कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप लगभग खत्म। 24 घंटे में 8000 मामले आए सामने, 119 की गई जान। देश में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर हुई 1,02,601। वहीं अभी तक 5,13,843 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर नालों पर तैयार किए गए चेक डैम। केजरीवाल सरकार का दावा, प्रदूषण स्तर में आई काफी गिरावट। राजधानी दिल्ली में कुछ क्षेत्रों में आज सुबह हुई हल्की बूंदाबांदी। बारिश के बाद खिली धूप, तेज हवाओं ने बढ़ाई ठंड। हिट एंड रन मामले में जान गंवाने वालों के परिजनों को मिलेंगे 8 लाख। केंद्र ने 1 अप्रैल से की 8 गुना अधिक मुआवजे की घोषणा। निर्वाचन आयोग ने भाजपा प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह पर की कार्रवाई। सांप्रदायिक बयान देने पर 24 घंटे के लिए प्रचार करने पर लगाई रोक। दिल्ली के स्कूल में स्थापित होगा विज्ञान नवाचार हब। छात्रों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है योजना का लक्ष्य। बिहार में कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका। ललित नारायण मिश्रा के पोते ऋषि मिश्रा RJD में हुए शामिल। हिंसा के बीच बंगाल की नगर पालिकाओं में हुआ 76% मतदान। भाजपा ने राज्यपाल से मुलाकात कर की फिर से मतदान कराने की मांग। 19 मार्च से शुरू होगा 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला। 4 अप्रैल तक चलने वाले मेले में इस बार लगेंगे 1100 स्टॉल। केरल ने कोरोना के मामले कम होने के बाद पाबंदियों में दी ढील। सिनेमा घरों, बार, होटलों को पूरी क्षमता से काम करने की अनुमति। आप नेता भगवंत मान ने की उच्च शिक्षा पर खर्च कम करने की मांग। बोले, अत्यधिक खर्च के कारण विदेश जाने को मजबूर होते हैं छात्र। हरियाणा के जींद में 50 लाख की हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। उजाना रोड पर तस्करों से बरामद की गई 514 ग्राम हेरोइन। गुजरात कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया संकल्प पत्र। कहा, सत्ता में आने पर बिजली बिल में छूट और सिलेंडर में घटाएंगे दाम। डिंपल यादव ने लोहे में लगे जंग से की भगवा रंग की तुलना। बोली, जंग लग चुकी सरकार को हटाने का काम करेगी जनता। भगवा को लेकर डिंपल के बयान पर सीएम योगी ने किया पलटवार। बोले, सनातन धर्म का सम्मान करना नहीं जानते सपा के लोग। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने फडणवीस पर साधा निशाना। बोले, फोन टैपिंग मामले में फंसे पूर्व मुख्यमंत्री की भूमिका की हो जांच। संघ प्रमुख ने उचित शिक्षा के बाद ही लड़कियों की शादी पर दिया जोर। बोले, कम उम्र में शादी करने से नहीं मिलेंगे वांछित परिणाम। अब राज्यों को मनरेगा का धन पाने के लिए नियुक्त करना होगा लोकपाल। केंद्र सरकार ने रोजगार और सतत विकास के लिए तय किया पैमाना।
राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर लगाया देश का ध्यान भटकाने का आरोप, बोले बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था और मूल्य वृद्धि की पीएम नहीं करते चर्चा। मऊ के घोसी पहुंचे शिवराज चौहान ने अखिलेश पर साधा निशाना, बोले सपा सरकार में जो गुंडे खिलखिलाते थे वे योगी सरकार में बिलबिला रहे। गोंडा के सपा प्रत्याशी समेत 12 के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज, पूर्व मंत्री योगेश प्रताप पर घर में घुसकर महिला की पिटाई का लगा आरोप। स्मृति ईरानी ने नवाब मलिक को लेकर सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना, बोली सत्ता के लिए निर्दोषों का खून बहाने वालों से दोनों ने मिलाया हाथ। टेलीकॉम सेवाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, सेवा में खामी होने पर अदालत जा सकते हैं मोबाइल यूजर्स। दिल्ली पुलिस ने संसद मार्ग थाने में शुरू की कियोस्क सेवा, संपर्क रहित शिकायत दर्ज होने के साथ बढ़ेगा जनता पुलिस में संपर्क। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर बोले मुख्तार अब्बास नकवी का, भारत में हिजाब पहनने पर नहीं है कोई प्रतिबंध। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के भतीजे ने थामा भाजपा का दामन, मुबस्सिर आजाद ने पीएम मोदी को बताया ऐतिहासिक नेता। गोरखपुर में अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना, बोले जनता ने फैसला कर लिया है कि बाबा जी को भेज देंगे वापस मठ। तीसरे T20 में भारत ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया, दर्ज की लगातार 12वीं जीत, श्रेयस बने प्लेयर ऑफ द मैच। श्रीलंका ने पहले 20 ओवर में 5 विकेट पर 140 रन बनाए, जवाब में भारत ने 4 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात, नमस्कार।